नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड, यानी एरोमेटिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य की बात करें तो एरोमेटिक एसिड्स आर मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक एसिड, यानी एरोमेटिक एसिड जो है अम्ल है, एलिफेटिक अम्लों की तुलना में बहुत अधिक अम्ली होते हैं। द मेन रीजन ऑफ दिस इज द अटैचमेंट ऑफ COH ग्रुप टू द बेंजीनिन। द कार्बन एटम of the benzene is in sp2 hybrid state and the sp2 hybrid carbon atom is more electronegative than the sp3 hybrid of carbon atom. इसका मुख्य कारण जो है वो COH समूह का बेंजीन वाले से जुड़ा होना है। बेंजीन वाले में कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होते हैं तथा sp2 संकृत कार्बन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणीय होता है, अतः फेनिल समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, फलस्वरूप बेंजोइक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्ली होता है। दैट्स वाई द फिनाइल ग्रुप हैज अ कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ देयर आफ्टर और देयर फोर बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड। सो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन इज टेबल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ, यानी प्रतिस्थापी का अम्ल सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको इस टेबल के द्वारा समझते हैं। तो ये एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं, ये उसके स्ट्रक्चर्स, ये उनके के वैल्यू और ये उनके पी के वैल्यू की बारे में बात करें। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COH, के की वैल्यू 1.8 है और पी के वैल्यू 4.7। देन प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COH 1.3 की वैल्यू है इसकी और इसका पी के वैल्यू है 4.9। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COH वैल्यू 1.6, पी के वैल्यू आती है 4.8। 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड की बात करें तो के की वैल्यू आती है 0.9, पी के की वैल्यू बढ़ती जा रही है 5.1। हेप्टानोइक एसिड की बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर, pK value 4.9 and so on. These are the tables and the names of the acids and their structures are there. This is the structures and their K value and their pK values. इनको टेबल से याद कर लेंगे कि K की वैल्यू कितनी होंगी और pK की वैल्यू कितनी होंगी। So, on the basis of this analysis, the pK value of some aromatic acid at 25 degrees are as follow. सबसे important इनमें से जो है वो ये, first one is benzoic acid, pK value 4.2, paranitrobenzoic acid 3.4, metanitrobenzoic acid की 3.5 and paramethoxybenzoic acid की 4.5. Now, next topic is effect of substituent on the acid strength of aromatic carboxylic acid. यानि प्रतिस्थापी समूह का aromatic अम्ल की अम्ल सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? The strength of an acid represents by their dissociative constant Ke. If the benzenein contains the compound which increase the dissociation constant, the acid is strong acid. यानी किसी अम्ल का सामर्थ्य उसके वियोजन स्थिरांक यानी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि बेंजीन वलय पर इस प्रकार के समूह उपस्थित हो तो वियोजन स्थिरांक के मान को बढ़ा देते हैं तो अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है, और यदि वे समूह वियोजन स्थिरांक के मान को कम कर देते हैं या कोई प्रभाव नहीं डालते तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंट ऑन द बेंजीनिंग विल डिक्रीज the dissociation constant, the acid is weak acid. If the electron withdrawing groups like NO2, CN and X are present on the benzene ring, the acid strength will increase. यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह withdrawing group NO2, CN, X आदि यदि बेंजीन वलय पर उपस्थित हों तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। The presence of these groups increase the stability of carboxylate ion by resonance. यानी इन समूह की उपस्थिति में कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व अनुनादत के कारण बढ़ जाता है। If the electron withdrawing groups are present on ortho and para position, the acid will
be more acidic as compared to the metapositions. यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो हैं, वो सीरस समूह के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर उपस्थित हों, तो मेटा की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं. For example, देखें ये जो साइनाइड है, ये ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, फिर क्लोरीन वाली बात करें सेकेंड स्ट्रक्चर में, और NO2 की बात करें ये थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर. ये जो है वो COH है, NO2, Cl और CN जो है पैरा पोजीशन पर बता रखे हैं इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इसलिए ऐसे स्ट्रेंथ इनकी इंक्रीज होती है. इफ द एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन बेंजीनिंग देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन एसिड्स स्ट्रेंथ. यदि बेंजीन वाले पर CH3 या C2H5 जैसे ग्रुप अम्ल तो अम्ल सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट OCH3, OH एंड NH2 ग्रुप विल डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ बिकॉज द मेन ग्रुप और मेन एटम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दीज ग्रुप हैज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दीज शोज प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट विच विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन. परंतु यदि CH3 और C2H5 की जगह OCH3, OH और NH2 ग्रुप जैसे समूह उपस्थित हो तो अम्ल सामर्थ्य को ये कम कर देते हैं. इन समूह में मुख्य परमाणु जो होंगे वो होंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिन पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है जैसा कि इसके अंदर बता रखा है, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट हो उपस्थित होगा, जिसके फलस्वरूप बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा. जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्थायित्व है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. The following table contains the pKa value of different derivatives of benzoic acid. बेंजोइक अम्ल के विभिन्न व्युत्पन्नों के pKa के मान निम्नलिखित सारणी में दे रखे हैं. जैसे सब्सट्रेट NO2 जोड़ रखा है तो ऑर्थो पे कितनी वैल्यू रहेगी pKa की, मेटा पे और पैरा पे. ये टेबल को याद कर लीजिएगा. OCH3 OH के लिए, CN के लिए एंड CH3 के लिए वैल्यूज ऑर्थो के लिए ये आएगी, मेटा के लिए ये पोजिशंस और पैरा के लिए ये वैल्यू सामने आती हैं.